अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं इस वक्त लियाकताबाद में हूँ और ये कौन सा ग्राउंड है भाई? मोहम्मदी ग्राउंड। सही है, रोशनी सही आ रही, पीला पीला शेड आ रहा है रोशनी लाइट की वजह से। हाँ, चेहरा तो सही नजर आ रहा है जी। तो ये है, यहाँ पे लाइट लगाई हुई है किसी ने, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। और ये इधर दिखाएं जरा, ये ठेले रखे हुए सारे सब्जी फ्रूट के ठेले होंगे क्या? ये सब्जी वाले के, किसी फ्रूट वाले के, लेकिन इनका सामान तो नहीं है, इधर भी ठेले रखे हुए। ये सुबह के लिए आएंगे ना, जब सुबह आएंगे शाम तक पेश के फारिग हो जाएंगे, फिर ये सुबह खोलेंगे। ये ठेलों पे ही सो रहे हैं अपने, थोड़ा जूम करके। हाँ अच्छा, वो उधर दिखाएं, ये ग्राउंड देखे इस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उस कोने पर कचरा कुंडी बनी रखी हुई बनी हुई है, उधर लोगों ने अपनी पार्किंग बनाई हुई है, हाईएस्ट की पार्किंग हो रही है। बीच में गंदा पानी आया हुआ है थोड़ी सी। ये क्या है? ये जो लगा हुआ है इसमें, ये त्वार बाजार वालों की टेबल तो नहीं पड़ी हुई सामने? बनाती है ना, ये त्वार बाजार वालों की टेबल लग रही है मुझे, जैसे वो डेकोरेशन की टेबल नहीं होती, ये डेकोरेशन की टेबलें लगी हुई है बाजार बाजार लगता है। और उसके पीछे जो है वो भराई मशीन जो होती है, भराई करके खड़ी कर देती है, छत भराई वाली मशीनें खड़ी हुई। चलो, मतलब ग्राउंड को हर किसी ने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। और वो दीवार से पहले वहाँ पे ठेले लगे हुए लाइन से मेरे पास है, इधर इधर दीवार के उस, इसमें नजर नहीं आएगा ये यहाँ, ये देखें, ये जो दीवार के साथ काली सी लाइन चल रही है, ये सारे लाइन से ठेले लगे हुए। अच्छा, और मेन चीज़ जो दिखाने वाली वो ये है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे रुके और हमने अपना अभी 15 मिनट ज़ाया किए। ये सामने आपको सारे लोग जो नज़र आ रहे हैं ना, इसमें अक्सरियत लेडीज़ की है, लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, जेंट्स हैं, और ये नीचे अपनी रलियाँ डाल के और सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं यहाँ पे। और साथ में इनके लोडर रिक्शा वगैरह भी खड़े हुए हैं, इनके ठेले वहाँ खड़े हुए हैं। अब मैं आपको खुद सामने आके सारी सिचुएशन जो मैंने एनालाइज़ की है वो बताता हूँ। ये कबाड़ी का बता रहे हैं? हाँ, वो मैं बताता हूँ। तो ये इधर आए सामने, मेरा सामने चाची, हमने ये वहाँ पे लाके गाड़ी रोकी थी, और हम ये इनाम है, मेरे कज़न है यहाँ पे, इनकी सिस्टर रहती हैं, तो इनके बहनोई भी आए हुए। तो हमारा ये इरादा था कि आज हम यहाँ पे रात को सर्वे करेंगे, इंशाल्लाह कार्ड बांटेंगे, और जब राशन आ जाएगा तो फिर जिन लोगों को कार्ड मिला उनको राशन मिल जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो हमको एक नई चीज़ नज़र आई कि ये लोग जो है ना वो ग्राउंड में सो रहे हैं। तो मेरे दिल में ख्याल आया गरीब आबादी है, हो सकता है ये लोग यहाँ पे गर्मी की वजह से आके सो रहे हो। फिर मैंने उनमें से एक बंदे को बुलाया, मैंने कहा यार इधर आओ, क्योंकि अंदर तो लेडीज़ थी ना सारी, मैंने कहा इधर आओ ज़रा थोड़ी बात कर। मैंने कहा आप लोग यहाँ पे क्यों सो रहे हो, क्या वजह है? तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर ही सोते हैं गर्मी की वजह से। और मैंने कहा आप लोग कहाँ से आए हुए हो? तो उसने कहा कि हम लोग तो मुल्तान से आए हुए और एक महीने के लिए आए हैं, क्या नाम है, रमज़ान के महीने। मैंने कहा आप लोग काम क्या करते हैं? उन्होंने कहा हम सारे जो है ना वो कबाड़ी हैं, कबाड़ी का काम करते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा आप जो मेरे दिल में शक था वो मैंने उनसे सामने मुंह पे बोल दिया। मैंने कहा आप लोग इसलिए तो नहीं आए हुए कि रमज़ान में बस यहाँ से सदका खैरात आपको मिलेगा, उसके बाद फिर आप वापस चले जाओगे? उन्होंने कहा तो अल्लाह ताला देने वाला है, और मतलब ये कि सच बात जो थी वो मतलब निकली उसके मुँह से बहरहाल, और अल्लाह ताला देने वाला है। हम तो अपना काम करते हैं कबाड़ का, जो अल्लाह ताला को देना होता है वो हमें दे देता है। देखिए रमज़ान में क्या होता है, लोग अपनी सदका खैरात ज़कात जो निकालते हैं तो वो देखते हैं गरीब आदमी कौन है आसपास, ज़्यादा मेहनत नहीं करते उसको सही जगह पहुंचाने में। दरवाज़ा खोला, कबाड़ वाला जा रहा है, चलो इसी को दे दिया, या सब्ज़ी फ्रूट वाला जा रहा है उसी को दे दिया। अब इसको, इस कमज़ोरी को एक्सप्लॉइट करते हैं कुछ लोग, जो कि अब उनको पता है कि रेडी चलाने वाले को, ठेले वाले को, कबाड़ वाले को लोग जो हैं वो देते हैं। तो वो एक महीने के लिए सिर्फ ये काम करते हैं, लेकिन काम करते वक्त मेरा अंदाज़ा, मेरा एनालिसिस ये है कि उनकी नीयत ये नहीं होती कि हम काम कर रहे हैं पैसे कमा रहे हैं, बल्कि काम करते वक्त उनकी जो है ना वो नीयत ये होती है कि क्योंकि हम रमज़ान में आए हुए हैं यहाँ पर, और रमज़ान में हर कोई बांटता है, खुल के देता है, इफ्तारी बच गई वो भी दे दी, या और कुछ राशन बना के दे दिया, किस हर कोई, हर घर वाला जिसकी इतनी इस्तेदात है, किसी ने 5 राशन बना लिए, किसी ने 10 बना लिए, मासी को भी दे दिया, और जो है ना जो नज़र आया उसको दे दिया। तो ये मेरा एनालिसिस है कि इनकी ये नीयत होती है। फिर मैंने कहा यार आप, हमारा तो ये शक है और हमने आपको खोल के बता दिया, अब आप अपने 5 बंदे जो है ना समझदार वो लेकर आ जाएँ, यहाँ पर रोशनी है, यहाँ बैठ के बात करते हैं, वीडियो बनाते हैं,
और जो है आप इन बातों का जवाब दो कि क्या ऐसा ही है। और मैंने कहा कि आप लोगों के आने से यही तो होता है ना, कम से कम कि जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे गरीब लोग रह रहे हैं उनका हक मारा जाता है कि उन तक नहीं पहुँचती वो चीज़। और तो उन्होंने कहा भाई हम तो अपनी रोज़ी के लिए आते हैं और जो हमारी किस्मत में है वो जो मिलना होता है वो हमें मिल जाता है। बात उसकी सही है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने बात की। बहरहाल वो अभी आए थे, पाँच बड़े आए थे, हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, ये पीछे हम लोग यहाँ बैठ गए और हम लोग तैयारी कर रहे थे कि अब इनसे बातचीत करते हैं, डायलॉग करते हैं। मैंने उनसे खास साफ बोला, मैंने कहा ये पूरा जो डायलॉग है वो मैं नेट पे डाल दूंगा इंशाल्लाह, और ये हम सारा फैसला आवाम पे छोड़ देंगे, देखने वालों पे छोड़ देंगे कि आपका वाकई हक बनता है कि नहीं बनता। अगर बनता है तो आपके लिए बड़ा भरपूर चांस है कि सारी फैमिलीज़ को मिला के कल कुछ ना कुछ दे दूँ, और अगर नहीं बनता तो आप तो वैसे ही बैठे हुए थे, मैं आया चला गया, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम जो है ना वो वीडियो नहीं बनवा सकते, हमारे यहाँ पे सेट हैं वो एतराज़ करेंगे। तो इससे बाद में हमने आपस में बातचीत की तो अंदाज़ा ये हुआ कि इनके सेट का भी हिस्सा होता है। उन्होंने नाम भी बताया कौन से सेट हैं, लेकिन बहरहाल में नाम जो मैं नहीं पढ़ना चाहता उससे खामोखाई में बेटा नज़र नहीं आ रहा है बात हो। तो अच्छा फिर एक बात और जो मैंने उनसे पूछी थी, मैंने कहा रमज़ान के महीने में आपको इतने सारे घर कैसे मिल जाते हैं किराए के, या इतने 100-150 लोग हैं यहाँ पे, कम से कम 20-25 तो फैमिलीज़ होंगी, एकदम से सारे किराए के घर आपको कैसे मिल जाते हैं? तो उन्होंने कहा बस हमको मिल जाते हैं आसपास दूर दूर, और जो है ना वो छोटे छोटे घरों में हम गुजारा कर लेते हैं, और ख़ासतौर पर जो सेट हैं उनका हो सकता है कोई गोदाम हो और उसके अंदर 5-6 फैमिली एक साथ जो है ना वो रह रही हों। तो बहरहाल उन्होंने वीडियो बनवाना पसंद नहीं और हमसे बात करना जो है ना वो वीडियो भी पसंद नहीं की, वैसे उन्होंने कहा जो आपको पूछना है वो पूछना है। और तो जो इन्फॉर्मेशन हमने एक्सट्रैक्ट की है उनसे बातचीत करने में, हम आधे घंटे से यहाँ पर हैं, वो ये कि ये लोग रमज़ान में आते हैं और इसमें इस तरह के जो काम हैं वो काम भी करते हैं, और काम करते करते इनको साथ में जो है ना वो लोग जो है ना इनकी मदद भी कर देते हैं। अब इसमें जो देने वाला है उसकी अपनी मर्ज़ी है, उसका अपना जो है ना वो ख्याल है कि वो उनको दे, और हैं तो गरीब ही आउटलुक से नज़र आता है, और ऐसा तो नहीं है कि इनके कोई बैंक बैलेंस हो या इनकी कोई गाड़ियाँ हो या इनके पीछे कोई बंगले हों, ये जो है ना वो सदका खैरात पे ही जो है ना वो रिलाई कर रहे हैं। अगर तो इसका मतलब है कि कोई बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, पीछे इनकी कोई कोठियाँ बनी हुई नहीं है। हाँ लेकिन इनको यूज़ करने वाले जो है ना वो ज़रूर अपनी कोठियाँ बना लेते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा ख़ानदान को पीछे से बुलवा लिया और तय कर लिया कि भाई तुम्हारा इतना हिस्सा होगा हमारा इतना हिस्सा होगा। तो क्या हुआ कि वो अमीर हो गए इस सदका खैरात के ज़रिए। तो इसमें अब आपको बताने वाली बात मेरी ये है कि अगर आप सदका खैरात इस तरीके से देंगे ना तो क्या होगा कि कुछ लोग कुछ गरीब लोगों को तो मदद मिलेगी लेकिन आधी चली जाएगी उन लोगों के पास जिन्होंने इसको प्रोफेशन बनाया हुआ है, ठीक है। तो अब इस्लाम ने इसका क्या हल किया, इस्लाम ने जब बताया कि सदका करना है और जब बताया कि ज़कात देनी है तो साथ में पूरी लिस्ट बताई कि पहले क़ुराबतदारों को दो, यतीमों को दो, मिस्कीनों को दो, और जो है ना वो उसके बाद जो है मुसाफिरों को दो, साहिलों को दो, मांगने वालों को दो। तो उसमें देखें सबसे पहले रिश्तेदार आ रहे हैं कि जो आपके रिश्तेदार हैं आपको उनके हालात का पता है और जो है ना वो आप जो है ना वो उनकी मदद करें, उनको भी अपने लेवल पर लेकर आएं ताकि उनके अंदर भी एहसास महरूमी जो है ना वो ना रहे और वो बराबरी का एक जो है ना वो मामला हो आपका उनके साथ। तो इसके बाद यतीमों का हक बनता है। अब इसमें से आपको क्या पता कि कौन यतीम है कौन नहीं है, चलते फिरते आपने किसी को दे दिया। और मिस्कीनों को दो, मिस्कीन कहते हैं ऐसे बंदे को जो अपनी सी कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है कमाने की, लेकिन वो इतना नहीं कमा पा रहा कि अपने बच्चों को पेट जो है ना वो सही से पाल सके, तो मिस्कीनों को दो। और उसके बाद फिर जो है मांगने वाले, तो ये कैटेगरी, ये मांगने वाले की कैटेगरी में आते हैं, इनको भी देना है, मना इनसे भी नहीं, लेकिन एहतियात करनी है कि जो है ना वो बिल्कुल अपने ऊपर से जो है ना अपना ज़िम्मा छुड़ाने के लिए ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल आप जो है ना वो जो नज़र आया बस उसको दे दिए। तो कोशिश करें कि अपने सदका खैरात ज़कात फितरा हदिया जो भी है उसको सोच समझ के और थोड़ा सा ढूंढ ढांड के, ख़ास तौर पे जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनको जो है ना वो देने की कोशिश करें। ऐसे लोग कि जो जिनका इतना ज़्यादा जो है ना वो इतना भी उनके अंदर इस्तेआत नहीं है कि वो किराया लगा के जाएँ किसी फलाई इदारे के पास और वहाँ जाके अपनी दरख्वास्त जमा करा दें। वो लोग तो घर में बैठे, उनके पास इतने किराए के पैसे ही नहीं है कि वो वहाँ तक जाएं या लाइनें लगाएं, या जो है ना हो सकता है बहुत से लोगों का तो शनाख्ती कार्ड भी नहीं होता, ये इदारे तो शनाख्ती कार्ड जमा करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वो आपको जो है ना वो
ढूंढने से मिलेंगे, आपको ढूंढना पड़ेगा। और ये ढूंढने में जितना आपका वक्त लगेगा, एनर्जी लगेगी, उस पर अलग आपको सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। तो हम ये काम जो है ना, वो मैं बहुत सारे लोगों पर बिहाफ पे करता हूँ कि मैं पूरा महीना डेडिकेट करता हूँ अलहमदिल्ला। हम रातों को घूमते हैं इलाकों में और सर्वे करते हैं कि दरवाज़ा बजाते हैं, गली वालों से पूछते हैं यहाँ पे कोई बेवा तो नहीं है, यहाँ पे कोई मुत्तका तो नहीं है, और कोई जो है ना वो जो माजूर हो, ज़रूरतमंद हो, जिनका और कहीं से कोई आसरा नहीं है। तो फिर ख़ास तौर पे किसी एक मोहल्ले को जब मैं लेके चलता हूँ तो उस पूरी गली को एक एक दरवाजे को खटखटाता हूँ, इल्ला ये कि मुझे नज़र आए कि ये तो अच्छा खासा घर है, और जो है ना वो लोग ही बताएं कि इनका अपना घर है, सही है। तो कोशिश करता हूँ कि जब स्कैन करें तो कोई भी किसी को भी मिस ना करें। तो इससे ये होता है कि जो ज़रूरतमंद होते हैं वो उनको हम बड़े ढूंढ के हम निकाल लेते हैं, और उस तक जब पहुंचती है ना तो उनकी दुआ बड़े दिल से मिलती है, और वही दुआएं हैं जिनके लिए हम काम कर रहे हैं। तो ठीक है, मेरे ख्याल में मैंने अपना मैसेज जो था वो कन्वे कर दिया, ये आपके सामने है। इनमें से जो है ना वो ज़्यादातर लोग, मेजॉरिटी लोग जो है ना वो यहाँ पर रमज़ान में जो है ना वो आते हैं, और क्योंकि ये पंजाब के रहने वाले हैं, इनको खुली फिज़ा में रहने की आदत है। तो यहाँ पे कराची में जो दड़बों की तरह घर बने हुए हैं, एक एक कमरे के, लाइट भी नहीं है, हवा भी नहीं है, तो ये लोग वहाँ पे नहीं रह सकते, ये रातों को यहाँ। और इनकी लेडीज़ में भी पर्दे वर्दे का भी कोई ज़्यादा रुझान नहीं है, तो वहाँ पे बस ऐसे खुले सब लोग लेटे हुए। तो बहरहाल अब ये सारा मैंने आपको बता दिया, फ़ैसला आप लोगों के ऊपर है। अल्लाह ताला हमें जो है ना वो ये अपना माल जो है वो सही जगह पर पहुंचाने की तौफीक दे। ठीक है भाई, हम लोग राजी हैं, सही बात करिए बात तो आपकी। और आप लोग जो है ना, जो रमज़ान में क्रिकेट खेल रहे हो ना, तरावी पढ़ो, तरावी पढ़ के आए हो। चलो चलो, ठीक।